मित्रों गणपति उवाच एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर ए के चौबे आप सभी मित्रों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों नमस्कार। मित्रों मैं हाजिर हूँ आपसे बहुत इम्पोर्टेंट बात बताने के लिए। मैं शॉर्ट में भी कहा है लेकिन शॉर्ट में एक मिनट में शॉर्ट में बात ज़्यादा नहीं हो पाती है, इसलिए मैं थोड़ा सा लॉन्ग बना रहा हूँ जिससे कि सारी बात आपको बता सकूँ कह सकूँ। तो मित्रों देखिए क्या बताना चाहता हूँ मैं, देखिए और उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ कि जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, नोटिफिकेशन को ऑल सेलेक्ट करें तो मेरे वीडियो की सूचना तो स्वतः ही उनके पास पहुँच जाएगी। मित्रों अभी मैं क्या बता रहा हूँ, देखिए अभी जो है अप्रैल और मई ये दो महीने जो हैं, और थोड़ा आधा जून तक भी समझ लीजिए, अप्रैल मई और हाफ जून बहुत ही दे आर वेरी इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया। भारतवर्ष के लिए ये ढाई महीने अप्रैल मई और आधा जून का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्लैनेट की पोजीशन से, क्यों भारतवर्ष की लग्न जो है वृषभ है। देखिए प्लैनेट पोजीशन जो है एस्ट्रोलॉजिकली कैसी पोजीशन है कि मेष राशि में राहु बैठे हुए हैं और बुध भी हैं अभी, और बुध जो है क्या रिप्रेजेंट करते हैं पड़ोसी को, नेबर को। तो देखिए इंडिया का नेबर, इंडिया नेबर्स के साथ विल हैव सीरियस प्रॉब्लम, उसमें पाकिस्तान भी हो सकता है चाइना भी हो सकता है, क्यों बुध जो है बुध का इन्वॉल्वमेंट राहु के साथ हुआ तो कुछ न कुछ प्रॉब्लम नेबर से आ सकती है। और देखिए कुछ मेष राशि में देखिए देव गुरु अस्त हो जाएंगे, हालांकि 20 अप्रैल को मेष राशि में आएंगे देवगुरु और अस्त अवस्था में आएंगे, अस्त हो जाएंगे और अस्त रहेंगे देवगुरु तो कुछ धार्मिक स्थलों में तथा धार्मिक समस्याएं भी आएंगी देश में कट्टरता बढ़ेगी, धार्मिक कट्टरता बढ़ेगी, धार्मिक उन्माद बढ़ेगा, अंधे हो जाएंगे धर्म के नाम से, तो धार्मिक स्थलों में कुछ परेशानी आ सकती है। कब, जब बृहस्पति अस्त रहेंगे गुरु। तो देखिए ये मई तक रहेगा, मतलब अभी अप्रैल से शुरू होगा, अभी चल मतलब बृहस्पति अस्त होते ही पहली अप्रैल से एक पूरा अप्रैल का महीना अस्त रहेंगे और 20 अप्रैल को तो राहु के पास आ जाएंगे तो अस्त आएंगे राहु के पास। तो मित्रों देखिए धार्मिक उन्मादता रहेगी क्योंकि जुपिटर जो है 20 अप्रैल से चांडाल दोष में आ जाएंगे राहु के पास, तो ये और बढ़ जाएगा और ये अक्टूबर तक रहेगा, ये तो चांडाल दोष तो 30 अक्टूबर तक रहेगा, तो ये धार्मिक उन्माद, धार्मिक अंधतापन, धार्मिक लोगों में एकदम एक कट्टरता बढ़ जाएगी 30 अक्टूबर तक, जब तक राहु और बृहस्पति एक साथ रहेंगे। तो देखिए ये जो है कंट्री के लिए, इंडिया के लिए अच्छा नहीं है। इसके अलावा देखिए मंगल भी जो है, मंगल की प्रेजेंट पोजीशन इज नॉट गुड फॉर इंडिया, वृषभ लगने के लिए मंगल की प्रेजेंट पोजीशन जो है मिथुन राशि और उसके बाद फिर जो है कर्क राशि में पहुंचेंगे, लेकिन तीसरे भाव पराक्रम भाव में, तो मंगल की पोजीशन अच्छी नहीं है, लेकिन 10 मई के बाद पराक्रम भाव में मंगल आ जाएंगे। तो मंगल की देखिए इंडिया की जन्म पत्रिका लग्न पत्रिका के हिसाब से मंगल जो है जब तक दूसरे भाव में रहे तब तक देश को पीड़ित करेंगे, और जैसे ही तीसरे भाव में आ जाएंगे तो सेना की हलचल, पुलिस की हलचल ज़्यादा सक्रिय हो जाएगी, यानी मई के बाद है, मई में वो पराक्रम यानी मिथुन राशि में आ जाएंगे। पराक्रम भाव तो मेष राशि के लिए है, यानी काल पुरुष की कुंडली में कहेंगे आप, लेकिन वृषभ लगने वालों के लिए तो तीसरा भाव, तीसरी मिथुन राशि नंबर 2 पे है। तो देखिए पुलिस की हलचल बढ़ेगी, मिलिट्री की हलचल बढ़ेगी, और पुलिस को ज़्यादा सक्रिय, मिलिट्री को ज़्यादा सक्रिय होना पड़ेगा, कुछ ऐसा उन्माद बढ़ेगा देश में भी, सीमाओं पर भी और आंतरिक इंटरनल भी। तो देखिए उत्तर दिशा में प्राकृतिक आपदा भी आ सकती है, पड़ोसी देशों में एक्टिविटी बढ़ेगी, प्लस नेचुरल आपदा भी उत्तर दिशा से, यानी जैसे कि मैंने पहले ही बताया है
भूकंप तो आ सकते हैं, जोर का भूकंप आ सकता है अफगानिस्तान पाकिस्तान और हिमाचल कश्मीर होता हुआ यानी आप ऊपर लगा लीजिए नॉर्थ का जो हिस्सा पूरा जो है, तो इसमें प्राकृतिक हलचल भी बढ़ेगी और पड़ोसी देशों की एक्टिविटी बढ़ेगी, सैन्य हलचल भी बढ़ेगी यानी चाइना और पाकिस्तान की भी। तो देखिए, और कर्क के मंगल थर्ड हाउस में आ जाएंगे मंगल इंडिया के लिए, तो फिर हेल्प करेंगे मंगल, यानी हेल्प कैसे करेंगे, शक्ति प्रदर्शन से। शक्ति प्रदर्शन हो सकता है और हिंदुस्तान का या इंडिया का या भारत का शक्ति प्रदर्शन जो है हेल्प करेगा, क्यों मंगल जो है शक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं। तो 6 अप्रैल के बाद देखिए शुक्र और शनि इंडिया की कुंडली में दो दो महायोग बना रहे हैं, फिर मालव्य राजयोग बन रहा है शुक्र का और शस महाप्रोत राजयोग बन रहा है शनि का, तो दो दो महायोग महाराजयोग बनने से यानी 6 अप्रैल से शुक्र का, तो आगे आने वाला टाइम थोड़ा सा अभी आगे आने वाला समय अप्रैल से जून तक का विचित्र और यादगार रहेगा। मतलब शुरू में अच्छा भी रहेगा, देश के लिए अच्छा रहेगा, समाज के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन बीच में फिर बृहस्पति और राहु के मिलन रहने से अक्टूबर तक, बृहस्पति के कुछ टाइम अस्त रहने से धार्मिक उन्मादता बढ़ जाएगी और धार्मिक स्थलों में कुछ दिक्कत आ सकती है, इंटरनल दिक्कत आ सकती है, वातावरण खराब हो सकता है। तो बाहर भी इंटरनेशनल भी सीमाओं पर भी और आंतरिक भी, यानी आप ये समझ ली अप्रैल से लेकर के और मैं समझता हूँ अक्टूबर तक, तो जब तक ये चांडाल दोष है तब तक तो कुछ ना कुछ उथल पुथल रहेगी रहेगी, लेकिन अप्रैल से और जून का आधा तक विशेष रहेगा मामला। तो मित्रों ये मैं देख रहा हूँ कि ग्रह ऐसे पड़े हुए हैं कि ये टाइम जो है कुछ टाइम जो है कंट्री के लिए और राजनीतिक क्षेत्र में भी उथल पुथल वाला आ रहा है, अच्छा नहीं है। मित्रों नमस्कार।